हे गाइस, वेलकम टू दिस मेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। टॉम हॉलैंड ने जो काम करा है, आप उसको जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। देन उसी के साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंटरनल्स की ऑफिशियली सेट इमेज आ चुकी है, जिसमें कि हमें काफी बड़े बड़े जंगल देखने को मिल रहे हैं, टेम्पल देखने को मिल रहे हैं। और मेरा मानना तो यही है, जब इस पे VFX काम कंप्लीट हो जाएगा तो 100% इस मूवी में हमें बड़े जंगलों में एक बड़े बड़े टेम्पल देखने को मिलेंगे और हमें स्पेस गॉड भी देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा मार्वल की मूवी इंटरेस्ट और कमाल की तो होती है। देन उसी के साथ वांडा विजन की टीवी सीरीज जो आ रही है, उसकी हमें सेट इमेज देखने को मिली है, जिसमें कि ऑफिशियली फर्स्ट लुक देखने को मिला है। अगर आपको ये इमेज देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन साथ ही साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा MC कॉमिक्स को, जिन्होंने हमें ये इमेज प्रोवाइड करवाई, क्योंकि ये इमेज कहीं पर भी नहीं है। जी हाँ, तो थैंक यू MC कॉमिक्स। देन उसी के साथ बात करते हैं एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में। रेसिडेंट एविल मूवी पूरी की पूरी रिबूट हो रही है और डायरेक्टर ने वादा करा है कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा हॉरर और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और अजीब सा बनाने वाले हैं, यानी कि पिछली मूवी से ज़्यादा बेटर। देन उसी के साथ एप्पल टीवी सीरीज ने कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी पूरी स्ट्रीमिंग सर्विस को वर्ल्ड वाइड नवंबर तक लॉन्च कर देगी। मैट्रिक्स 4 कंफर्म हो चुकी है और ये बात मैं पहले भी कंफर्म कर चुका हूँ। और देन पुरानी कास्ट भी रिटर्न हो रही है इस मूवी में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आना है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ इस मूवी का। देन उसी के साथ डिज्नी प्लस 12 नवंबर को लॉन्च हो जाएगी कुछ कंट्रीज़ में, पर इंडिया का कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, और जब इंडिया का अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और जैसा कि आप सब जानते हो कि एवेंजर गेम जो लॉन्च होने वाला है मार्वल का, उसकी ऑफिशियली ग्राफिक में काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं, जिसका फुल HD वर्क मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एज ए मिलर जिन्होंने कन्फर्म कर दिया कि फ्लैश मूवी आएगी और पॉसिबली इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी 2020 से। टाइटेंस का सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है फाइनली, उसका ऑफिशियली एक नया लुक पोस्टर लॉन्च हुआ है और देन ये प्रीमियम होगा सितंबर 6 से। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसी के साथ एक बिहाइंड द सीन इमेज आया है ब्री लैंसर, यानी कि हमारी कैप्टन मार्वल का, जो कि इन्फिनिटी गोल्डन उठा के हाथ में चल रही हैं। तो ये वही सीन है जिसमें कि वो पीटर पार्कर, यानी कि हमारे स्पाइडरमैन से लेती हैं। जॉन, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले डायरेक्टर थे, फाइनली ऑफिशियली जो अपडेट आया है कि वो फ्यूचर में एक और मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। देन प्रियंका चोपड़ा अपकमिंग नेटफ्लिक्स सुपर हीरो मूवी में कास्ट करी गई हैं। अब इस मूवी का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अब ये मूवी क्या होगी, इनका रोल क्या है। उसी के साथ डे जॉनसन ने फाइनली शादी कर ली है सुपर मॉडल से, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी 10 सालों से, या और आराम से अपने आप को डेट कर रहे थे। उसके साथ बैटमैन का एक ऑफिशियली बिहाइंड द सीन नज़र आया है, जो कि वैन अल्फिक का है, जस्टिस लीग का। तो यार मैं तो मिस कर रहा हूँ वैन अल्फिक को, शायद वो पॉसिबली हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिले। उसी के साथ ब्री लैंसर ने थॉर का हैमर उठाकर एक चीज़ साबित कर दी कि वो भी बढ़ती है, एक मजाक के तौर पर है, पर आने वाला फ्यूचर बदल सकता है। उसी के साथ टॉम हॉलैंड का अपडेट का ये है काफ़ी कमाल का कि उन्होंने सोनी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है, और उसके साथ जेंडा ने भी ऐसे ही करा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छी है, और देन इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और टॉम हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं। उसी के साथ एक और अपडेट है काफ़ी कमाल का कि जो स्पाइडरमैन की 2 अपकमिंग मूवी होंगी उसे केविन फाइगी प्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूस। जी हाँ, भले वो मार्वल का पार्ट ना हो, एनावेल कम होम्स कन्फर्म हो चुकी है कि नवंबर के महीने में इन हिंदी में रिलीज हो जाएगी। जो सीरीज के फैन है कंजूरिंग यूनिवर्स के, वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनल्स की शूटिंग स्टार्ट होगी लंदन में, जी हाँ, तो हमें सेट फुटेज देखने के और भी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। देन उसी के साथ जेम्स बॉन्ड का ऑफिशियल टाइटल रिवील्ड हो चुका है, वो है नो टाइम टू डाई, ये है रियल टाइटल। देन उसी के साथ टॉम हॉलैंड के फादर ने एक हैशटैग सेव द स्पाइडरमैन स्टार्ट कर चुका है, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें #SaveSpiderMan। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें। रियल में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदी इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उसमें स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।